डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। कल यानी कि जुमेरात को खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समात जेर गौर रही वो खान साहब की तौहीन अदालत के हवाले से समात थी। इसमें खान साहब के जो रिमार्क्स है जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे थे उस हवाले से तस्करा हुआ, और उस पूरी समात के दौरान इस बात का तयन किया जाना था कि खान साहब के जो रिमार्क्स है क्या वो आला अदलिया के लिए किसी भी तौर पर हितक आमेज थे, या जो खान साहब ने कहा उसका कहने का मकसद क्या था। इससे पहले आला अदलिया ने खान साहब को एक मोहलत भी दी गई और खान साहब से तहरीरी जवाब दाखिल कराने की लिए मोहलत दी गई ताकि खान साहब उसके हवाले से तहरीरी जवाब जमा करा सकें, और तहरीरी जवाब जमा कराया गया। लेकिन उस जवाब में शायद गैर मशहूद माफ़ी खान साहब की जानिब से नहीं मांगी गई, और खान साहब की जानिब से जो जवाब दाखिल किया गया उसमें कुछ इस तरह के कलमात थे कि जब जिसमें खान साहब का इस तरफ से इशारा दिया गया कि दिया दिया गया कि उनके बयान से अगर किसी आला अदलिया के फर्द को तकलीफ पहुंची, उसको तकलीफ होती है तो वो उसके लिए माजत खाएं, गालबन इस तरह के अल्फाज थे। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि खान साहब शायद इस हवाले से कोई गैर मशहूद माफ़ी मांगेंगे, लेकिन ये ना हुआ। इस हवाले से क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ नहीं, और इसके ऊपर बात तो जरूर करेंगे, लेकिन एक सवाल यहाँ पे जरूर है कि क्या खान साहब को गैर मशहूद माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी या नहीं। और अब जो फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया और इसके ऊपर जो कार्रवाई आगे की तरफ बढ़ाई जाएगी, इस दौरान खान साहब का जो स्टांस होगा वो क्या होगा। याद रहे कि कल जब ये तमाम तर कार्रवाई हुई उसके बावजूद खान साहब ने एक बड़ा जलसा किया, और उस जलसे में एक बार फिर से आवाम ने खान साहब का पुरतपाकर इस्तकबाल किया। खान साहब लगातार जो जलसे करते हुए नजर आ रहे हैं उसका साइज बड़ा होता जा रहा है, और साथ में ये भी देखा जा रहा है कि इन जलसों के बाद खान साहब का बयानिया मजीद स्ट्रॉन्ग होता नजर आ रहा है, खान साहब की बॉडी लैंग्वेज में मजीद एग्रेशन भी देखा जा रहा है, और ये शायद सूरत हाल यहाँ पे थमती हुई नजर नहीं आती। इसके अलावा जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से कानूनी पहलू क्या है और इसके जो सियासी पहलू क्या है, इनके ऊपर बात करेंगे प्रोग्राम में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, और हम इस वक्त तस्करा कर रहे थे जो तौहीन अदालत के हवाले से खान साहब के ऊपर मुकदमात के ऊपर जो सिलसिला चल रहा है, और जो इस वक्त जो फर्द जुर्म आयद करने की बात की जा रही है, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस क्या होने जा रहा है और इसके जो पहलू हैं पाकिस्तान की सियासत पे किस तरीके से असरअंदाज होंगे, आला अदलिया का जो इस पर किरदार रहा वो कितना ज्यादा अहम है, और आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ हो सकता है, इस सवाल से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें पाकिस्तान के सीनियर साहबी जनाब मेराज सिद्दीकी साहब। सर जानते हैं ये जो तब्दीली आई है इस लिहाज से कि खान साहब इस वक्त आला अदलिया के हवाले से कुछ परेशानी का शिकार हैं, इस तब्दीली के पीछे की वजूहत क्या हैं, और क्या खान साहब के जो मुआवनीन हैं जो खान साहब को मशवरा दे रहे हैं क्या वो उनके साथ किसी भी तौर पे सही गाइडेंस भी दे रहे हैं कि नहीं। मेराज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मेराज साहब सूरत हाल आपके सामने है, आला अदलिया ने खान साहब को दो हफ्ते की मोहलत दी और इन दो हफ्ते की मोहलत के बाद तहरीरी जवाब जमा कराना था। इस तहरीरी जवाब से इस वक्त जो सूरत हाल सामने है कि आला अदलिया और उनके जजेस मुतमईन नजर नहीं आ रहे, क्या जो जवाब जमा कराया गया वो सही था या उसमें कुछ और बेहतरी हो सकती थी। देखिए यकीनन इमरान खान जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और तहरीके इंसाफ के रूए रवा हैं, वो यकीनन जो 22 साल की जद्दोजहद के बाद जब इनको प्राइम मिनिस्टर सीट मिली थी तो जो बुनियाद बनी थी मैंने पहले भी बताया कि झूठ पर थी, और अभी आपने इस हमारी जो अदलिया ने अभी जो दो हफ्ते का टाइम दिया है इससे पहले एक मुतनाज़ा बयान इमरान खान ने दिया कि नवंबर में जब आर्मी चीफ आएंगे तो आर्मी चीफ जो है वो जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है ये मुमकिन है कि वो अपना लाना चाहते हैं। इसका मतलब ये इस बयान से तो जैसे अदलिया मुतनाज़ा कर रहे हैं वैसे ही इन्होंने हमारी पाक फौज को भी वो किया है कि क्या पाक फौज के अंदर शफाफियत नहीं है, क्या पाक फौज के अंदर जस्टिस नहीं है, क्या जो चीज जो जर्नल्स आते हैं वो यकीनन उनका अपना एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है हमारी अफवाज का उधर अपार्टमेंट का, लेकिन खैर बयान देने में
यकीनन एक टीम की का कसूर जरूर होता है। जब मुशर्रफ साहब ने बलूचिस्तान के लिए बयान दिया था तो यकीनन तकरीर लिखने वाले जो टीम मेंबर्स होते हैं उनका कसूर होता है। बिल्कुल ऐसा ही इमरान खान ने जो बयान दिया है इसमें जो उनका कैबिनेट और जो उनका राइटअप लिखा गया है उसके तो बिल्कुल है कि इमरान खान के साथ उनके अपने लोग मुखलिस नहीं हैं। लेकिन मेहराज साहब, खान साहब के मिजाज को आप भी बखूबी जानते हैं और आवाम भी बखूबी वाकिफ है कि खान साहब अपनी तकरीर खुद तहरीर करते हैं, पॉइंट्स देते हैं और कभी भी शायद खान साहब ने लिखी हुई तकरीर नहीं पढ़ी। बहुत ही कम मौके से होंगे जब खान साहब ने लिखी हुई तकरीर पढ़ी होगी, तो जो वो कुछ कह रहे थे वो तो शायद डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट आ रहा था, तो उसमें शायद किसी एडवाइजर को या किसी तकरीर लिखने वाले को मुरीद इल्जाम ठहराना ये सही होगा? देखें, तकरीर लिखना और तकरीर को लिख के पढ़ना या उसकी डिबेट करने के बाद बयान करना ये नॉलेज बेस्ड स्पीच होती है, क्योंकि नेशन के लिए हम बात करते हैं। तो अगर दीगर सियासतदानों ने अगर पर्ची रख के बात की है इसका मतलब बहुत तौल के बात करने की कोशिश की होगी, क्योंकि बात का वजन भी होना चाहिए। सिर्फ बोलना शर्त नहीं है, तो लिखना कोई मुजायका नहीं है, लिख के बोलना कोई मुजायका नहीं है, लेकिन अगर लिखी नहीं जाती है तो उससे पहले कैबिनेट और अपनी टीम के साथ डिस्कशन जरूर किया जाता है, जिसको हम आम फहम में मशवरा कहते हैं, जो शरीयत भी है कहती है और हमारा माशरा भी कहता है कि किसी बड़े डिसीजन की तरफ जाते हुए हम मशवरा लें। मशवरा दो सूरतों में होता है कि कोई टीम लिख के दे दे या टीम डिस्कस कर दे, दोनों सूरतों में टीम की होती है। देखें, लीडर इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज या इंडिविजुअल टॉट पर्सन जो है वो लीडर नहीं कहलाता। यकीनन जैसे तमाम के तमाम लोग प्राइम मिनिस्टर्स बने या किसी पार्टी के सरबराह बने उसके पीछे एक टीम वर्क होती है। यकीनन जो ये टीम है इनके मशावराती टीम है उनका कसूर है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे बताएं कि जितनी टीमों ने इनकी बात की थी कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, हम इतने घर देंगे, हम वजीर आजम हाउस को जो है वो यूनिवर्सिटी बनाएंगे, गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बताएंगे, यकीनन इससे पहले इमरान खान वजीर आजम हाउस पे नहीं रहते थे। जो काबीना और कैबिनेट इनके साथ मौजूद थी वो ऑलरेडी पिछले गवर्नमेंट के अंदर थी, मुशर्रफ गवर्नमेंट में थी, काफ लीग में थी, उन्होंने इक्तदार के मजे पहले भी लिए थे और इमरान खान के साथ भी ले रहे थे। ये बात हमें आवाम को बात समझनी होगी। रेवोल्यूशन का मसला किसी एक शख्स का नहीं है, किसी एक शख्स की अंधी तकलीद से काम नहीं हो सकता। इमरान खान सच्चा है, इमरान खान ईमानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 18 अकाउंट में से 8 अकाउंट को क्यों शो करवाया गया, 8 अकाउंट को क्यों नहीं बताया गया? अगर ऐसे ही था तो IMF में टीम किस 9 महीने आप IMF नहीं गए, फिर 9 महीने के बाद वजीर आजम बनने पर आप IMF गए, इसका मतलब यह है कि आपके पीछे कोई टीम थी जिसके मशवरे पे आप चलते थे। बिल्कुल सही है कि जाहिरी तौर पे आप पर्ची लेकर के नहीं बैठते थे, जाहिरी तौर पर आप स्टेज पर पर्ची लेकर के बात नहीं करते थे। ये यकीनन एक हाईली क्वालिफाइड बंदा है, हमारे मुल्क का असासा नहीं बल्कि दुनिया का हीरो है, और इमरान खान जैसा मतलब जो अभी पाकिस्तान में यूथ है वो इमरान खान को अपना मसीहा समझती है, उसे उम्मीद है कि 67% यूथ जो पाकिस्तान में है अगर कोई उनको इंसाफ, उनको जस्टिस, उनको नौकरी, उनके पढ़े लिखे नौजवानों को कोई सही रहबरी दे सकता है तो इमरान खान से उम्मीद लगाते थे। लेकिन कैबिनेट की जो बात कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो इनके वजरा हैं? क्या ये पहले वजीर नहीं रहे? ये इनमें से 10-10 टाइम्स लोग वजीर रहे हैं, 10 टाइम्स रहने वाले लोगों का माइंडसेट फ्रेश लोग नहीं ले पाए, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मेहराज साहब, अगर मैं इस केस के हवाले से बात करूं, खड्डे में गिरेंगे तो इमरान खान को भी गिराएंगे। मेहराज साहब, अगर मैं इस केस के हवाले से बात करना चाहूंगा, कैबिनेट चोर थी। मेहराज साहब, इस केस के हवाले से मैं जानना चाहूंगा, खान साहब को पहले 2 हफ्ते की मोहलत दी गई कि तहरीरी जवाब दाखिल करवा दें, खान साहब चाहते तो उसमें गैर मशरूत माफी मांग के इस मामले को पूरी तौर पे खत्म कर सकते थे, लेकिन खान साहब ने जो अल्फाज उस अपने तहरीरी जवाब में इस्तेमाल किए वो ये थे कि अगर किसी शख्स की दिलाजारी हुई, किसी आला अदलिया के शख्स की दिलाजारी हुई तो वो उसके ऊपर माजरत खां है। तो आपको लगता था कि इस जवाब के बाद सूरत हाल डाइल्यूट हो जाती, सूरत हाल में कुछ बेहतरी आ जाती? देखें, जरूरतमंदाना कैफियत का मालिक तो हमेशा से इमरान खान रहा है,
जब पाकिस्तान को उसने क्रिकेट में जितवाया तो भी इसका ये सिलसिला था। हिटलर के बाद जो है वो इमरान खान साहब की अपनी डिक्टेट मैनेज और लीड का एक पर्सनलिटीज है। यकीन उसने कहा कि मेरे अल्फाज गलत हो सकते हैं, मेरे नजरिए में अदलिया के लिए कोई किसी किस्म की बदतमीजी नहीं है और मैं अदलिया के खिलाफ नहीं हूँ। इसमें कोई शक नहीं है सर कि उसने हमेशा पाक फौज के साथ रहने की स्टैंडिंग पोजिशन पर रहे। अदलिया से बड़ी उम्मीद थी, जब भी वो वजीर आजम से हटे, जब अदलिया ने उनको फैसला दिया, अदम एतमाद का वोट डाला तो वो हट गए। लेकिन उनका कहना था माफी में जब आऊंगा कि जब मैंने गलती की हो, मेरे अल्फाज का चुनाव गलत हो सकता है। जैसे अल्फाज के चुनाव को मैंने पहले भी कहा कि हमेशा ये इस लेवल पर टीम की बहुत बड़ी गलती होती है। इमरान खान साहब को थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा, अपने साथ रहने वाले और एडवाइजिंग बॉडी को, ओपिनियन देने वाले को एक दफा रिव्यू करने में कोई मुजायका नहीं होता है। हमेशा ऐसे ईमानदार और मुल्क के मेहमान और आने वाले नस्लों की बका की जंग लड़ने वाले लोगों को ही फांसी की तरफ ले जाते हैं, जेल की तरफ ले जाते हैं। वो मकासिद सियासतदान जो हमेशा इक्तदार में रहते थे पहले हुकूमतों में भी और अपना रूप बदल करके दोबारा है, ये बात इमरान खान को समझने की जरूरत है। यकीनन अदलिया के खिलाफ, अफवाज के खिलाफ इन इमरान खान से ज्यादा इनकी टीम ने गलत बयानी की है जिसकी सजा बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान और अदलिया। लेकिन महराज साहब जरा ये समझाए ना कि खान साहब को मोहलत दी गई, खान साहब माफी मांग सकते थे, खान साहब ने नहीं मांगी, तो उसके पीछे आपको क्या लगता है कि खान साहब का जाती ये ख्याल होगा कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना किए जाए, कहीं इसकी सियासी कॉस्ट हो सकती थी? अदलिया हमारी इंसाफ है, अदलिया इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है, कलमे की बुनियाद पर मदीने के बाद के वो अगर माफी मांगने वाला तो बड़ा होता है। अगर वो समझते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं किसी इदारे का सरबरा हूँ और मेरे लोगों से गलती हुई हो तो माफी तो मुझे ही मांगनी चाहिए। तो इमरान खान को अगर अदलिया गैस की कोई सियासी कॉस्ट थी महराज साहब के, खान साहब ने गैर मशरूत माफी नहीं मांगी, क्या कोई ऐसी चीज उनको आपको लगता है उनके जहन में हो सकती थी जिसकी वजह से उन्होंने इस तरीके से गैर मशरूत माफी मांगने से ऐसा महसूस होता है कि 22 करोड़ आवाम इमरान खान के साथ है, इदारे बिल्कुल अलग है, इदारे अकेले हो गए हैं, अदलिया अकेली हो गई है, ये हुकूमत ऐसे ही है। तो क्योंकि सोशल मीडिया के बेस पर तहरीक इंसाफ अपना डिसीजन लेती है तो तहरीक इंसाफ में सारा रिव्यू लेने के बाद उन्हें ये महसूस होता है कि अगर हमने माफी मांग ली तो फिर हो सकता है कि जो मुखालिफीन हैं, जिनको वो चोर कहते हैं, जिनको वो गद्दार कहते हैं, जिनको वो मुखालिफीन कहते हैं, जिनको वो कहते हैं कि मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले गए, वो इस पर बहुत ज्यादा स्टैंड लेंगे। लिहाजा वो नहीं चाहते कि हम माफी मांग के गिलती हों, जबकि माफी मांगना एक बड़ा अमल था। सियासी तौर पर ही माफी मांगने में कोई मुजायका नहीं था, ये भी एक तरबियत का हिस्सा था। इंसान है, गलती हो जाती है, अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत अहम था, अगर ऐसी हो गई थी तो गलती करने में कोई मुजायका, माफी मांगने में कोई मुजायका। लेकिन महराज साहब अब सूरत हाल ये हो रही है ना कि एक जानब हम ये देख रहे थे कि कहीं खान साहब सुबह फर्द जुर्म की बात होती है, शाम में रात में खान साहब जलसा करते हैं और जलसा का फिर उसी तरीके से उसी अंदाज में भरी हुई नजर आती है, लोग जोक दर जोक सामने आ रहे होते हैं, जलसा का भर रहे होते हैं, तो खान साहब की पॉपुलैरिटी को तो इससे कोई इस वक्त नुकसान नहीं पहुंचा। और अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की सियासत में तो पॉपुलैरिटी एक बड़ा फैक्टर होती है। आई एग्री विथ यू, एक्चुअली पिछले 75 सालों में अगर कोई जो बेशुमार फाउंडर और लीडर्स गुजरे हैं, लेकिन जो इमरान खान ने पिछले 22 साल पहले जो अंडरस्टैंडिंग की उसके पास आदादो शुमार था। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान इस टाइम 60% यूथ का मुल्क है, जहां बूढ़ों का मुल्क नहीं है, ज़हीफ का मुल्क नहीं है, ये बच्चों का मुल्क नहीं है, यूथ का मुल्क है। इमरान खान ने सिर्फ और सिर्फ और पाकिस्तान के अंदर 35% लोग वोटर्स हैं, लिहाजा उसने उस 35% लोगों को कंसिडर ही नहीं किया, उसने 67% यूथ को कंसीडर किया। और यूथ मैं आपको बताऊं, वो लोग जो कभी सियासत नौजवान करते नहीं थे, जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और दीगर शोबों में हैं, उन्हें एक उम्मीद नजर आती है इमरान खान की तरफ। उसने एक अंदर की बात, दिल की बात की कि जी जब डॉलर महंगा होता है तो हुकूमत चोर होती है, जब बिजली का बिल बढ़ता है
तो बिल को फाड़ देना चाहिए। एक इंकलाबी, एक 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 जज्बा, एक नौजवान जो एक सोचता है, उस बात को उसने किया और उनकी सोशल मीडिया टीम बहुत मजबूत थी। जितना खूबसूरत प्रोजेक्शन उन्होंने किया है तो वो यकीनन आज भी अगर और दूसरे सोने पे सुहागा ये हुआ कि अगर 5 साल की हुकूमत तहरीके इंसाफ की छोड़ दी जाती तो उम्मीद था कि लोगों की उम्मीदें खत्म हो जाती, लेकिन ये जो हुकूमत के दरमियान 7 महीने में निकाला गया है, ये आदम एतबाद पे निकाला गया है, इससे पॉपुलरिटी बनेगी। और अगर इमरान खान के ऊपर कोई इल्जाम लग जाए या इमरान खान की अरेस्टिंग हुई या इमरान खान को अदलिया ने कोई बंद किया, तो आप बिलीव करें जहां पर एक दिन में लोगों का रश लगता है, किसी भी चीज को आप दबाएंगे या उसकी पॉपुलरिटी को रोकेंगे तो ये न्यूटन का हर अमल का रद्द अमल पैदा होता है, जिसको आप रोकेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की डे बाई डे पॉपुलरिटी बड़ी हो रही है, लिहाजा उसे माफी मांगने की शायद इसलिए जरूरत नहीं है। मेहराज साहब, मैं इस केस के नतीजे की तरफ आता हूं, मुझे जरा इसके बारे में बताएं कि इस वक्त हुकूमत की सतह पर देखें तो हुकूमत के लिए परेशानियां दो हैं। एक तो हुकूमत को इस बात का के मसले भी हैं कि अगर इस वक्त इस केस के ऊपर खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जाती है तो कल को इस तरह के बहुत से बयान और इस तरह के बड़े सारे अल्फाज, वीडियो फुटेज इन हुकूमती अहदेदारान के भी हैं, इन लीडरान के भी हैं, तो कल को ये बात इनकी तरफ भी घूम के भी आ सकती है। दूसरी जाने हुकूमत इस तमाम सूरत हाल का फायदा ये उठा रही है कि अगर इस वक्त महंगाई की बात करें, मुश्किलात की, अवाम की मुश्किलात की बात करें तो रोज बढ़ती नजर आ रही हैं। आज पेट्रोल आलमी सतह पे हम देखें तो नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में आज भी पेट्रोली मसनूआत की कीमतें वहीं पे हैं। आज भी टैक्सेस का एक बड़ा बोझ है, बिजली के बिलों में बतदरी इजाफा किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत इस चीज को इस्तेमाल कर रही है कि शायद खान साहब दूसरी जगह मसरूफ है तो हुकूमत अपना काम कर सके। देखिये, मैं अभी खुशदार भी गया हूँ और इंटीरियर भी गया हूँ। मैं बताऊं, पाकिस्तान इस वक्त 60% सफे हस्ती से इनके गांव के गांव खत्म हो गए हैं। ये हुकूमत में मौजूद लोग और जो हुकूमत में ऑपोजिशन में, इन्हें इस आवाम की फिक्र नहीं है, सर पर छत नहीं है, जिस्म पर कपड़े नहीं है, खाने की कोई उम्मीद नहीं है। पिछले महीने 10,200 डेंगीज के पेशेंट हुए, पाकिस्तान का असातिज़ा, इकरा यूनिवर्सिटी का फाउंडर मर गया जी, 374 बच्चे जो हैं वो इंफेक्शन डिजीज के हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कहीं पर भी स्प्रे नहीं हो रहा है। हुकूमत सिवाय इस बात के कि इमरान खान पे फर्ज जुर्म आयद हो जाए या तहरीक इंसाफ पर बैन लग जाए, देखें ये मकसद इस टाइम पर जो क्रिटिकल मैटर है, इस टाइम था कि हर शख्स मिल के यूनिटी पे आता और मुल्क को रीबिल्ड करने की जरूरत है। तो मुल्क के रीबिल्ड करने के बजाय अगर ये इनकलाबी पोजीशन, अगर तहरीक इंसाफ भी इस टाइम पर अपनी अपॉर्चुनिस्ट बनेगी तो कौम नहीं भूलेगी। आप बिलीव करें, मुल्क के हालात, जो मुल्क जरई हो, जो जरात पर हो, उसकी 60% जरात खत्म हो गई हो, तो यकीन कर लें अभी 400 रुपए किलो आपका टमाटर है, लेकिन आगे 6 महीने पे आपका टमाटर 2,000 रुपए किलो होगा, क्योंकि आपकी जमीनों पे ना सब्जी हो रही है, ना चावल हो रहा है, ना गंदम है, जनूबी पंजाब आपका चला गया है, पूरा इंटीरियर चला गया है। इस बात की तरजीहात की बात है, क्या जिस टाइम पर भूख लगे तो भूखे को खाना खिलाना था, छत नहीं थी छत देना था, हर शख्स इस बात पे लगा हुआ है कि मैं इक्तदार में रहूं और नहीं हूं, तो ये थोड़ी सी इसमें तरजीहात की जरूरत है। मेरे ख्याल में आपके तवज्जो से मैं ये बताना चाहूंगा कि देखें, मुल्क इस टाइम पर बहुत बुरे हालात में है, अगर इमरान खान पे फर्द जुर्म आए तो हो भी जाता है। आपके ख्याल में नतीजा क्या होगा मेहराज साहब, आपको क्या लगता है, एंटिसिपेट किया क्या जा रहा है कि फर्द जुर्म आयद हो जाएगा, खान साहब नाहल हो जाएंगे, आपको और ज्यादा पॉपुलरिटी बढ़ जाएगी? लेकिन खान साहब तो नाहल हो चुके होंगे, पॉपुलरिटी बढ़ने का फिर क्या जवाब रह जाएगा? देखिए, नाहल तो यहाँ पर आप देख लें, आप नाहल तो बेशुमार लोग होते हैं, कभी भी इसको ये खुद करने नहीं देंगे। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब भी इसी जर्द में हैं, इसी तरह बेशुमार हमारे सियासतदानों ने ये इस किस्म के स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है, स्टेटमेंट दिए हुए जी, जी तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ये कि प्रोलॉन्ग करने से ज्यादा ये जो टाइम है इस पे कोशिश किया जाए कि हम मुल्क के बारे में सोच लें कि जनूबी पंजाब का क्या हाल है और सिंध का हाल इतना बुरा है,
इवन ये है कि क्या आपको लगता है आला अदली अपने फैसले में इन तमाम तर सूरत हाल को इन तमाम तर चीजों को देखते हुए फैसला करेगी या बिल्कुल अपने कानूनी इख्तियार का इस्तेमाल करेगी मुकम्मल तौर पर? मुझे लगता है कि अदलिया थोड़ा सा टाइम जरूर लेगी सिचुएशन पे, क्योंकि अदलिया इस बात को समझती है मुल्क की कैफियत और हालात पर, क्योंकि नवंबर के अंदर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी तब्दीली है और बहुत ज्यादा रिवोल्यूशन पाकिस्तान में आने वाला है, जैसे जमीनी तौर पर भी आने वाली चीजें हैं और सियासी तौर पर भी आने वाली हैं। अब आवाम को डिसीजन लेने में आसानी होगी कि कौन इनके साथ है। मुझे नहीं लगता कि खान साहब को फर्द जुर्म आयद होगा। आपको नहीं लगता फर्द जुर्म आयद होगा? नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह की पॉपुलरिटी और जो क्योंकि ये जैसे इमरान खान का व्यूज है कि मेरे अल्फाज का चुनाव गलत हो सकता है, मेरा मकसद ये नहीं था, उसके लिए वो एज ए अदलिया पे आने के बाद अपने आप को एक्सप्लेन जरूर कर सकते हैं वो। बहुत बहुत शुक्रिया मेहरा साहब आपके वक्त का, आपके मौकफ का, और यकीन तौर पर बड़ा ही अहम होगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है अगर उसके ऊपर नजर डाली जाए तो पाकिस्तान बड़ी सारी मुश्किल का शिकार है। बहुत से महाजों पर पाकिस्तान इस वक्त लड़ता हुआ नजर आ रहा है और इंटरनली पाकिस्तान को इस वक्त बहुत बड़ी एक मुश्किल दरपेश आई हुई है। एक बड़ा चैलेंज है कि जिस अंदाज से जो सैलाबी सूरत हाल है मुल्क भर में, 60% मुल्क का वो हिस्सा है जो पानी के नीचे इस वक्त नजर आता है, और पाकिस्तान में जो जरिए शोबा है जो कि पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, उस जरिए शोबे की बात करें तो सूरत हाल यकीनी तौर पर बड़ी मुश्किल का शिकार नजर आती है। ऐसे मौके में दो हफ्ते बाद खान साहब के हवाले से जो फैसला आना है, उस फैसले पर क्या होने जा रहा है? इस फैसले से पहले भी बहुत कुछ होगा जो खान साहब की तकारीर में नजर आएगा, जिसकी रिफ्लेक्शन नजर आएगी, जो कि अभी ऑलरेडी आती हुई भी नजर आ रही है। खान साहब अक्सर कुछ चार नामों का तस्करा करते हैं, वो चार नाम कौन से हैं? मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई की बात करते हैं, वो कौन है, वो क्या शख्सियात हैं, उनके क्या किरदार हैं? ये सारे फैसले होने हैं, ये सारी बातें होनी है, और अगर खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी जाती है तो फिर हुकूमत के लिए एक और बड़ी मुश्किल खड़ी होगी कि इस वक्त हुकूमती वुजरा, हुकूमती मुशीरान की एक बहुत बड़ी फौज ऐसी है जिसने इस तरह के बयान माजी में दिए हैं। पाकिस्तान की अगर सियासी लीडरशिप की बात करें तो टॉप टियर लीडरशिप से शुरू होने वाला ये सिलसिला निचले तबके तक जाता है और हर एक शख्स ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैपेसिटी में इस तरह के बयान जरूर दिए हैं, और फिर अगर ये एक बार नाहली हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं एक प्रेसिडेंस सेट होता हुआ नजर आएगा इस नाहली की रोशनी में, और फिर जो सूरत हाल बनेगी यकीन तौर पर आने वाले दिनों में हर किसी के लिए मुश्किल का बायस बनेगी। प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद हाजिर। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। We'll be right back.